स्टार्ट रोल ओके साइलेंस ओके एक सेकंड राम घर की बेल बंद कर दे नए साल में मिल रहे हैं लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो आपका जो फोटोज है ग्रीनरी को लेके बहुत वायरल हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उससे कितने खुश हैं आप पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हमने इस साल की शुरुआत की है और हाँ बहुत खुश हूँ फोटो वायरल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है लोग पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छे डिफरेंट मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इस पे भी करो उस पे भी करो काफ़ी सारे सजेशंस भी आ रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो इस बार में मैं बहुत खुश हूँ और ये एक कॉन्सेप्ट था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियंस पे ध्यान नहीं देते वेजिटेबल्स पे ध्यान नहीं देते काफ़ी लोगों ने वेजिटेबल्स जो है वो गंदे तरीके से सेल करना शुरू कर दिया है जहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा नॉनवेज की डिमांड हो रही है क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो ठीक से धोते नहीं हैं या फिर ठीक से ऑर्गेनिक तरीके से लोगों तक पहुँचता नहीं है तो एक मेरी छोटी सी शुरुआत थी करने के लिए कि मैं लोगों को अवेयरनेस करूं इस बारे में बताऊं इस बारे में कि वेजिटेबल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में और वेजिटेबल्स से कितने फ़ायदे हैं तो ये सारा मैंने बिल्कुल से तैयारी की और ये एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ी निकिता जी साल की शुरुआत तो अच्छी हो गई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है क्या रेजोल्यूशन है इस साल का जो नया साल है 2020 एज सच रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ बट हाँ क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ये पूरे साल का वेट करूँ रेजोल्यूशन बनाने के लिए मुझे लगता है कि जब कुछ चीज़ मन में आ जाती है तो आपको उसको पकड़ के करना चाहिए बट इस बार शायद मैंने 2-3 बनाए हैं जिसमें से एक तो बहुत फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं 2-2 घंटा जिम कर रही हूँ फिर योगा कर रही हूँ हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें फिटनेस को लेकर हैं तो मुझे लगता है कि फिटनेस एक है और दूसरा मदर अर्थ के लिए ये रेजोल्यूशन ये साल मेरा रहेगा कि अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकूँ मदर अर्थ के लिए जैसे कि प्लास्टिक्स हैं और पॉल्यूशंस हैं बहुत सारा हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं और मदर अर्थ के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं एक तरह से आप अगर समझें तो ठीक है उसके लिए मैं भी हेल्प करूँगी मदर अर्थ को ठीक करने के लिए और मैं लोगों से भी अपील करूँगी कि वो ठीक हो तो ये मेरा रेजोल्यूशन है और नए साल में आ चुके हैं तो क्या क्या प्लान्स है फॉर योर प्रोफेशनल करियर एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक म्यूजिक वीडियो आपने बताया था कि जी हाँ बिल्कुल म्यूजिक अगर उस बारे में कुछ आपके फैंस को बताया जी म्यूज़िक वीडियो एक्चुअली मुझे लगा कि एक ही महीना बचा था तो मुझे लगा कि अभी रिलीज़ करती हूँ क्योंकि न्यू ईयर पे तो अभी रिलीज़ होने जा रहा है और नवाजुद्दीन के साथ सीरीज़ शूट करने जा रही हूँ ये 20th से इसलिए मैं हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ तो और बाकी एक सीरीज़ जी पे स्ट्रीमिंग है और एक शूट होके रखी है तो आई थिंक ये 15-20 दिन में वो भी रिलीज़ हो जाएगी बाकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है जिसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते बट आई गॉट अ वेरी बिग मूव इन साउथ तो आई थिंक फैब में साउथ भी जाऊँगी करने के लिए तो ये सारे मेरे प्लान्स हैं और मैं सुपरली एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इस साल से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत अच्छे प्लान्स हैं मेरे नवाज सर के साथ जो आप फिल्म कर रहे हैं अगर उसके बारे में कुछ बताएं अगर आपको अलाउड हो और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें थोड़ा ही बता पाऊंगी क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि प्रोजेक्ट आने से पहले बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करते तो उसमें मेरा अंडरकवर कॉप का रोल है जहाँ पर जिसके लिए मैं अभी हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ तो बिकनी में हॉर्स राइड करने का बहुत अच्छा शॉट है अंडरकवर कॉप हूँ तो इसीलिए मैं ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अपना बिकनी वाला अवतार और डिस्क वाला अवतार ये सब दिखा के लोगों को गुमराह कर रही हूँ और किसी को पता नहीं चलने दे रही हूँ कि मैं अंडरकवर कॉप हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर है साथ ही नवाज सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं तो उनके साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और क्या तैयारियाँ की है क्या उस बारे में बात हुई है ड्यूरिंग वर्कशॉप और समथिंग अगर उस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वन ऑफ फेवरेट एक्टर और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना हर किरदार निभाते हैं और जिस हिसाब की उनकी जर्नी रही है मैं हमेशा से उनसे इंस्पायर रही हूँ मैं
मुझे लगता है कि मैं बस उस दिन का वेट कर रही हूँ. बहुत जल्दी शूट स्टार्ट होने वाली है और सुपरली एक्साइटेड हूँ. और अंदर से मुझे थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है, तो मैं और ज़्यादा वर्कशॉप कर रही हूँ और ज़्यादा अपने आप पे काम कर रही हूँ. आपने कहा कि आपका म्यूजिक वीडियो जी अभी रिसेंटली रिलीज होने वाला है नए साल जी में, अगर उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह का म्यूजिक वीडियो है, क्या कुछ देखने मिलेगा इस म्यूजिक वीडियो में? इस म्यूज़िक वीडियो में आपको ग्लैमर देखने के लिए मिलेगा. इस म्यूज़िक वीडियो में आपको सेंसेशन देखने के लिए मिलेगा. इस म्यूज़िक वीडियो में आपको एक हॉट सेक्सी लड़की देखने के लिए मिलेगी. तो आई थिंक ये 10 दिन में आप लोगों के सामने होगा. तो मैम जैसे कि आप वेज पे इतना ध्यान दे रहे हैं और रेगुलर जी बन के आपने शूट भी किया है, जी लेकिन जी हमारी एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस कहो कि नहीं पता नहीं मुझे, जिस तरह कपड़े पहनती है, मैं बात कर रहा हूँ उर्फी जावेद की, क्या कहना चाहोगे उस पर कि ये क्लाइमेट लाने का एक तरीका है कि क्या कहेंगे? वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी हैं कि उसे कपड़े नहीं पहनने, या फिर उसका फैशन सेंस उसे लगता है कि वो सही जा रही है, या उसे लगता है कि हाँ ऑब्वियसली. देखिए, अब जब आप उसका ये अलग टैलेंट है, अलग तरीके से कपड़े, अलग तरीके से कॉन्सेप्ट, ये उसका अलग टैलेंट है. अब जैसे आप दूसरी कियारा आडवाणी को देखोगे या और बाकी सारी हीरोइंस को देखोगे, तो उनका टैलेंट है एक्टिंग, किसी का टैलेंट डांस होता है. तो उसका टैलेंट ये है कि नया कॉन्सेप्ट उसको लगता है कि चाहे रबर बैंड लगा लो या फिर चाय का कप रख लो, ये सारी चीज़ें उसको उसको सूट कर रही है शायद, और उसको अच्छा लग रहा है तो वो कर रही है. और वो डिक्लेयर कर चुकी है कि भाई उसे, अभी मैंने रिसेंटली उसका वीडियो कहीं वायरल हो रहा था देखा था, तो उसने कहा था कि मैं कपड़े इसीलिए नहीं पहनती क्योंकि मुझे बॉडी एलर्जी है. तो वो कुछ बॉडी एलर्जी दिखा रही थी अपनी, तो शायद उसको कपड़ों से एलर्जी है इसलिए नहीं पहनती शायद. अच्छा एक चीज़ और सवाल है, इसको अलग थोड़ा सा, ये भी इन दिनों आत्महत्या का चलन काफी चल चुका है, जैसे बहुत सुशांत जी के बाद, जी जी सुशांत जी के बाद तनुषा, उसके बाद और दो तीन लोग गए, जी जी क्या ट्रस्ट होता है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या मानना है आपका? देखिए, अभी जब टुनिशा ने किया है, इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग. बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि वो बहुत आई थिंक 21 22 की थी वो, और बहुत अच्छे मकाम पे थी. आई डोंट नो उसने ऐसे क्यों किया, बट बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा उसके लिए डिसीजन लेना मेरे हिसाब से. और इतना अच्छा, कुछ लड़कियां वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सारी मेहनत सारा कुछ लगा देती है, और वो उसने वहाँ पहुँच कर उसने ड्रॉप आउट कर दिया. मुझे लगता है ये जो प्यार मोहब्बत के किस्से हैं उसे थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लड़कियां इसमें से सुसाइड करने का सोच रही हैं, तो वेरी रॉन्ग डिसीजन मेरे हिसाब से. बहुत अपसेटिंग था, और मतलब मुझे लगता है उसकी जान वेस्ट हो गई, उसकी लाइफ जो है वो वेस्ट हो गई, उसने वेस्ट कर दिया, ये मेरा मानना है. और बहुत ही स्ट्रेसफुल है. और भी लड़कियां इन सब चीज़ों से, ऐसे सब इंसिडेंट से सीख रही हैं कि अरे हम जान दे दें या फिर हम प्यार में दिखा दें किसी को. तो किसी के जाने के साथ सुशांत गया, सिद्धार्थ गया, सबके पार्टनर्स आराम से जी रहे हैं, कोई किसी को डेट कर रहा है, कोई किसी को डेट कर रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी प्रत्युषा बनर्जी, उसने भी सुसाइड किया था वो लड़के के लिए. और फिर मैंने बाद में 6 महीने के बाद मैंने देखा कि वो लड़का शादी कर रहा है और उसने शादी कर ली. रिया चक्रवर्ती है, वो भी डेट कर रही है. शहनाज है, वो भी अपनी लाइफ में खुश है. मतलब सब खुश है, तो आप लोगों को मरना क्यों है? बैड डिसीजन. अब बिग बॉस पे आप देखते हो, बिग बॉस वगैरह हाँ पता देखती हूँ. मेरा फ्रेंड है शालिन, तो शालिन की वजह से देखना पड़ रहा क्या लगता है कि क्या हो रहा है, कि कौन कुछ विनर या कोई सेकंड थर्ड कोई आएगा, सब लगता है? सी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट मुझे लगता है कि शालिन, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, और मुझे लगता है कि वो उसमें पोटेंशियल है, तो मुझे मुझे लग रहा है, उस पर होप लग रही है कि वो कुछ अच्छा कर जाएगा. कहीं मौका मिलेगा तो बिग बॉस में चाहते हो कि जाए एक बार? एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, और वो खाने रोटी के लिए लड़ने बढ़ने में भी क्या पता मैं किसी का सर्वर फोड़ दूँ एक रोटी कम एक रोटी ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि मारा मारी बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ वो अलाउड नहीं है ना किसी पे हाथ उठाना. और मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ, तुरंत हाथ उठा देती हूँ, तो शायद मुझे अपने आप से ही डर लग रहा है. और अभी के बिग बॉस में तो मैंने देखा कि इतनी अनोइंग है वो लड़की, क्या नाम है उसका, अर्चना अर्चना. अरे बाप रे, मुझे ऐसा कुछ मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, सर्वर शायद टूट फूट जाए, तो रहने दीजिए.
तो एक दौर था जब बिग बॉस वाकई कुछ गेम थी, काम था, लेकिन आज ये, एग्जैक्टली हाँ आज ये हो गया कि सलमान भाई से मुलाकात हो जाएगी, शायद सलमान भाई सपोर्ट कर देंगे मुझे, लोग इसलिए चाहते हैं कि बिग बॉस माना लगता यही प्रॉब्लम है कि लोग गेम खेलने नहीं आ रहे हैं, यू नो, ये थोड़ा सा फेम लेने. एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर एक प्लेइंग हाउस है, तो उस घर में आप खुल के प्ले करो. जैसे कि मैंने देखा था डॉली बिंद्रा ने, श्वेता तिवारी ने, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है, जिन्होंने अपना नाम किया उसी चीज़ों से. और भी मतलब अभी दो तीन सीजन से मुझे थोड़ा सा ओके टाइप सा लग रहा है, बट उससे पहले लोगों ने बहुत अच्छे, सिर्फ वो गेम खेलने आए थे, यू नो. यहाँ गेम नहीं खेल रहे, यहाँ पर एक दूसरे की बटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे का साइड ले रहे हैं, या फिर इनको तुरंत प्यार हो जा रहा है. पहले आप अगर सीजन्स देखोगे तो इतना प्यार नहीं होता था, इतनी किसिंग और इतनी हगिंग और ब्लैंकेट में अंदर जाना और वो सब नहीं होता था. अब ये होने लगा है क्योंकि लोग गेम खेलने नहीं आ रहे. अरे सलमान खान से मुलाकात हो जाएगी, कुछ लोग जान लेंगे, और एक दूसरे की इज्जत रखने के लिए लोग उस घर में हैं. मुझे इस रिसेंट वाले बिग बॉस में अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब साजिद खान को कभी किसी ने कोई काम बताया होगा इस वाले बिग बॉस में. वो आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो ये लॉबी चल रही है, यू नो, कि अरे ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो मुझे ले लेगा कोई रोल में. छुपा उपा के जो गेम खेल रहे, तो मुझे लगता है गेम खेलने के लिए ये लोग आ नहीं रहे, ये लोग सिर्फ बटरिंग करने के लिए हैं. आपने नाम लिया साजिद खान का, बीच में कई एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर, सलीम चोपड़ा मीटू की बात करें, जी क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको कि सब होता है मीटू या ये सब? ऑब्वियसली होता है, क्यों नहीं होता है. डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं. ऑब्वियसली होता है. मैं फिल्म इंडस्ट्री की अकेले की बात नहीं करूंगी, मैं डॉक्टर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूंगी. आप देखिए पुलिस डिपार्टमेंट, आप देखिए कॉर्पोरेट, आप किसी में भी देखिए, ये होता ही है. अगर कोई ये कहे कि नहीं होता, ये कोई ये कहे कि अरे हमने नहीं किया, तो वो बहुत ही मतलब हंसी वाली बात होगी, क्योंकि ये होता है और होता आया है और होता रहेगा. डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना. और साजिद खान आया ही बिग बॉस में इसलिए है कि वो उनका कैरेक्टर डिफाइन कर सके. दैट्स इट. आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? आखिर में ये बहुत सारा प्यार दूंगी और बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए. आई एम सो सुपर 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 थैंक्सफुल एंड लव यू लॉट. ओके, थैंक यू. थैंक यू.